नमस्कार दोस्तों, मैं तुझे आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क या लोगो का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होता है। देखिए, ट्रेडमार्क करवाने के लिए आप अगर खुद भी चाहें तो कर सकते हैं, मगर क्या होता है कि बहुत सारा नियम कानून गवर्नमेंट का होता है जो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में जानकारी रख रहे हैं, बिजी हैं, तो हर एक चीज़ हर एक आदमी को तो पता नहीं होता। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क करने के लिए आपको पहले एक किसी आदमी को चुनना पड़ता है जो मान लीजिए ट्रेडमार्क का एजेंट हो या कंसल्टेंट हो। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है कि वो आदमी ओरिजिनल में कंसल्टेंट है या नहीं है, उसके लिए कैसे चेक होता है कि वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए ऐसा देगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में उसका कोड वगैरह सब कुछ रहता है। जैसे हम लोग ट्रेडमार्क करवाते हैं तो इस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी जो है पार्टी को बना के देते हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी को 50 रुपीज़ के स्टैम्प पर प्रिंट करे और प्रिंट करके स्कैन करके हम लोगों को दे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है गवर्नमेंट के यहाँ अपलोड होता है। इसमें हम लोगों का भी डिटेल रहता है कि हमारी कंपनी कहाँ की है, हमारा एजेंट कोड क्या है या किसने फाइल किया है, कौन ट्रैक कर सकता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में मान लीजिए भूल भी सकते हैं, अपने काम में इतने बिजी हैं। तो हम लोग हमेशा ट्रैक करते रहते हैं कि ऑब्जेक्शन आया या एग्जामिनेशन आया, गवर्नमेंट का फीस क्या है, कब फाइल करना पड़ेगा, और पार्टी को हमेशा इन्फॉर्म करते रहते हैं ताकि आपका ट्रेडमार्क हो पाए। और अगर मान लीजिए कोई केस करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो उसको भी बताते हैं ताकि आप सही समय पर फाइलिंग कर पाएँ या उस पार्टी से जो है केस वगैरह लड़ना हो तो उसका स्टेप प्रोसेस आप डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि जब आप कंपनी चलाइएगा तो आपको बिजनेस में आ रहे हैं तो बिजनेस छोड़ के भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अब जब एक बार आपने बिजनेस में आ गए तो आपसे नौकरी नहीं होगी दोस्तों, आप इंडिपेंडेंट सोचने वाले हो गए हैं, तो आपको ब्रांड में रहना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी होता है ब्रांड बनाना या अपने ब्रांड को खड़ा करना या अपने ब्रांड के लिए लड़ना, ताकि एक बार मान लीजिए अगर ब्रांड चला गया तो फिर से आपको जीरो से चालू करना पड़ेगा। तो आपने 2-3 साल काम किया, बिजनेस को आगे बढ़ाया और फिर जीरो हो जाए चीज़, तो अच्छी नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्शन है। और आपको ट्रेडमार्क लेके आप अपने लोगों, नाम, रजिस्ट्रेशन ये सबको करा सकते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हों। गवर्नमेंट ने बिजनेस को 45 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। आप दुनिया का कोई भी काम कीजिएगा, किसी ना किसी उसी क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आएगा। और ये पूरा काम हम लोग कोलकाता, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, ये 4 जगह से करते हैं। और मैक्सिमम देखिए इसमें ऑनलाइन ही काम है, फिज़िकली कोई, अब गवर्नमेंट ने पूरा हटा ही दिया पूरा सिस्टम, इसमें पहले फिज़िकली होता था। तो कोई भी आदमी कहीं का भी बैठ के काम कर सकता है, बशर्ते अगर आपका विश्वास हो और जो पार्टी है वो भी थोड़ा जानकार हो। इसमें होता क्या है, लोगों को जानकारी की कमी है और सोशल मीडिया में क्या है, लोग थोड़ा कम पैसे का लालच देके जिसको केस नहीं मिलता है, जो नया नया होता है वो केस उठा लेता है, उसको भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है, बाद में जाके ट्रेडमार्क जो है फंस जाता है। इसलिए सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, जो जेन्युइन चीज़ है उसको करें। अपने कंपनी का बिजनेस है, आपका फ्यूचर है, और 2 रुपये सस्ते के चक्कर में आप अपने फ्यूचर को अगर बेच दीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा डिमेरिट है। इन सब चीज़ों में पैसा लगाना ऐसा चीज़ है जैसे मान लीजिए आप कोई सेविंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उस तरीके का। हमेशा अगर ब्रांड आपके साथ रहेगा, अगर ब्रांड अच्छा चल जाए, बाद में पता चला आप किसी को बेच भी देते हैं, तो 10 गुना दाम पर ये चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं। 10 गुना क्या, 100-100 गुना निकलती हैं, और रॉयल्टी भी कंपनियां पे करती हैं। बस ऐसे आपका ब्रांड में दम हो, चीज़ में दम हो, और अपने काम करके उस मार्केट में जिस भी सेगमेंट में आप हैं एक लेवल तक इस चीज़ को पहुंचा दिया, तो बहुत आराम से ये काम होता है। दोनों तीनों तरीका अपना के आप चाहे तो ये ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। नंबर आपको कमेंट्स में